थाना प्रभारी मौआइमा एवं एसओजी की संयुक्त टीम ने 6 अपराधियों को चोरी किए गए 47 अदद मोबाइल जिसकी कीमत लगभग 10-10 लाख तथा घटना में प्रयुक्त उपकरण सहित 2 गाड़ियों को बरामद किया है। डीसीपी अभिषेक भारती ने रविवार को पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 27 जुलाई की रात मौआइमा कस्बा स्थित टीपू सुल्तान की मोबाइल शॉप का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन चोरी किए थे। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत है। घटना के अनावरण के लिए पुलिस उपायुक्त गंगानगर द्वारा लगाई गई टीम ने 29 जुलाई की रात में 6 अभियुक्तों को चोरी के माल सहित मौआइमा क्षेत्रांतर्गत हरपुर मोड़ व कंचनपुर तिराहा के पास बीती रात 1:20 बजे गिरफ्तार किया गया है। थाना शिवकुटी क्षेत्र के अंतर्गत रजत गुप्ता की दुकान से भी 19 जुलाई को ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने मोबाइल फोन समेत अन्य सामान चोरी किए थे। 27 एक मोबाइल शॉप में शटर काट के चोरी हुई जिसकी सूचना हमें रात को ही मिल गई। तत्काल उसमें हमारा जो एक अभियोग पंजीकृत हुआ और तभी एक स्पेशल टीम का गठन कर दिया गया था जिसमें एसओजी थाने की टीम और हमारी सर्विलांस की टीम सब संयुक्त रूप से काम कर रहे थे। इसमें 47 मोबाइल जो मोबाइल शॉप ओनर द्वारा बताया गया था, हमारी टीम द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए 27-28 घंटों के अंदर ही इसमें 100% रिकवरी की गई, सभी मोबाइल रिकवर किए गए और इसमें 6 मुलजिम जो है वो अरेस्ट हुए हैं। मैं इनका आपको थोड़ा सा विवरण बता दे रहा हूँ। इसमें जो इसका सरगना है ये अंतर जनपदीय गैंग है जिसमें प्रतापगढ़, कौशाम्बी और प्रयागराज में इनके विरुद्ध में मुकदमे दर्ज है। सरगना है उसका नाम है ब्रजेश कुमार, इसके विरुद्ध में 7 मुकदमे हैं। पवन कुमार इसके विरुद्ध में 2 मुकदमे हैं। सूरज सरोज 3 मुकदमे हैं। रोहित सरोज 3 मुकदमे हैं। राजा तिवारी 2 मुकदमे हैं। राजेश पांडे 2 मुकदमे हैं। इन सभी अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और इसमें जो रिकवरी है वो सब मैंने आपको बता दिया है। 47 मोबाइल पूरे इस गैंग में और लोगों के भी शामिल होने की संभावना, हाँ इस चीज़ की जांच की जा रही है, नाम पता किया जा रहा है, इसकी भी संभावना है, पूरी जल्दी अरेस्ट कर। इस संबंध में माल की गिरफ्तारी कर कार्रवाई की गई। डीसीपी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में राजा तिवारी, पवन कुमार सरोज एवं ब्रजेश कुमार सरोज, रोहित सरोज, राजेश पांडेय, सूरज हैं। इनके कब्जे से 47 अदद स्मार्टफोन, 1 लोहे का सबल, 1 लोहा काटने वाला कटर, 1 ड्रिल मशीन, स्विफ्ट एवं सफारी कार बरामद किया गया है। पुलिस सभी को जेल भेज दिया है। अपराधी मैंने अभी बताया आपको 24 घंटे की सीमा की वजह से कल पीसी नहीं कर पाए, कल मॉल रखा दाखिल हो गए, लेकिन उनके विजुअल्स है, वीडियो और फोटो थाने की है।